वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरीके से, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही डेफिनेट इंटीग्रल की बात है, मतलब कोई भी फंक्शन ए से बी बाउंडेड है, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, ये तो होगी जनरल केस की बात, ठीक है, जनरल केस होगा इस यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि लिमिट ये तो है ए से बी। अब ए से बी की कुछ वैल्यू हो सकती है इस तरीके से, जीरो से ए, ठीक है, जीरो से ए, ये फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट सेम रहे जीरो से, लेकिन फंक्शन में हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन में किस तरीके से पुट कर सकते हैं कि ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स इस तरीके से ये पुटअप कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब सीधी सी बात है, बात हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि इंटीग्रेशन है जो, या फिर कहें इंटीग्रल ए की बात है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब लिमिट होंगी इस तरीके से, वो जीरो से वो कोई बात नहीं, मतलब के से एक तरीके से। इनडेफिनेट जिसमें लिमिट ना हो, ठीक है। अब बात करनी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की, मतलब प्रॉपर्टीज इस इनकी पढ़नी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो सीधी सी बात है, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सिर्फ इस पर अप्लाई होंगी, डेफिनेट इंटीग्रल पर, ये नहीं कि इनडेफिनेट पर अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सभी में लिमिट की बात हो रही है, हर प्रॉपर्टी में लिमिट की बात हो रही है, तो सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल पर ही लगेंगी ये, ठीक है। अब इस तरीके से रिजल्ट है, अब इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ किस तरीके से होगा इसका कि मतलब अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, क्या है सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लिमिट सेम है, इस केस में लिमिट तो सेम रही जीरो से, जीरो से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है, फंक्शन चेंज हो चुका है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ही चेंज हो जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार लिमिट ही बदले, इस तरीके से भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रूफ के लिए वही बात है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। इसका रिजल्ट अब पता होना चाहिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स का रिजल्ट क्या होगा, इस टाइप का होगा एफ एक्स, ठीक है, लिमिट जीरो से। अब किसके बराबर हुआ, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह, ये पढ़ना भी आना चाहिए, एफ ओफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन में एक्स है, ठीक है। तो एफ ओफ ए माइनस का साइन, फंक्शन में एक बार जीरो पुटअप कर देंगे, एक्स की जगह जीरो इस तरीके से, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये तो ही लेफ्ट हैंड साइड की बात है, इस तरीके से अगर सॉल्यूशन की या फिर डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन भी यही कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है, हमने कहा फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा इस टाइप से चेंज होगा, तो सीधी सी बात, अगर चेंज किया, सीधी सी बात है चेंज किया मतलब एक्स की जगह यहाँ पर ए माइनस एक्स है, तो चेंज किया है, तो चेंज करने का मतलब होता है कुछ पुट होगा, ठीक है, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड की बात होगी, तो पुट कर दें किसको, जो चेंज किया है ए माइनस एक्स, ठीक है, मतलब पुट कर दें ए माइनस एक्स को किसके बराबर, टी के इक्वल कहीं, जेड के इक्वल कहीं, ए की बात है, ठीक है, इस तरीके से जेड के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड के स्टेप याद होने चाहिए हमें, ठीक है, जो इंटीग्रेशन में पढ़े थे हमें सब्सटीट्यूशन मेथड, सबसे पहले पुट करते हैं इस तरीके से, पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होगा, जीरो, मतलब ये कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना तो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करें वो कहीं पर भी ना हो, एक्स कहीं पर भी ना हो यहाँ पर, तो इसका जीरो हुआ, माइनस का साइन, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है इस तरीके से। और जेड का क्या होगा, इसी तरीके से जेड का तो इस टाइप का होगा, डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। ये नहीं है कि जेड भी तो कॉन्स्टेंट है कि एक्स नहीं है, लेकिन इसको हमने पुट किया है, मतलब ये एक अलग फंक्शन है, इसलिए डी जेड बाई डी एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने दो बातें पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन में एक होता है डी बाई डी एक्स और एक होता है डी वाई बाई डी एक्स,
जनरली केस में, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन का जीरो है, ये इस वाई अगर तभी पॉसिबल है जब वाई कॉन्स्टेंट हो, लेकिन दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है 0 माइनस 1 इसके बराबर है डी जेड बाई डी एक्स, बस इसको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब सीधी सी बात है, लिमिट की बात थी, ठीक है, लिमिट कहा था हमने सेम है 0 से a इस तरीके से, ठीक है। अब हमने कहा कि फंक्शन को पुट कर दिया, किस तरीके से फंक्शन को पुट किया, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में लिमिट हमारे पास मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स, हमने पुट किसको किया था, ए माइनस एक्स को जेड के बराबर इस तरीके से, ठीक है, एफ जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फंक्शन को ही चेंज कर दिया तो लिमिट भी इसकी आएंगी, बस ये पॉइंट काम का है, ठीक है। क्या पॉइंट है, जैसा फंक्शन हो, मतलब कि जो भी फंक्शन हो, ठीक है, जो भी फंक्शन हो, फंक्शन मतलब एक्स में तो एक्स, जेड में तो जेड, तो लिमिट भी उसी की आएंगी, ठीक है, तो लिमिट भी उसी की आएंगी, ठीक है, उसी की आएंगी इस तरीके से, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर फंक्शन की इस तरीके से बात है तो लिमिट भी इसकी रख लें, ठीक है। अब लिमिट इसकी किस तरीके से होंगी, अब सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप से था हमारे पास 0 से, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से, और राइट हैंड साइड थी 0 से a, और साथ में क्या था हमारे पास, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से, यही तो थी राइट हैंड साइड। अब 0 से मतलब ये इस फंक्शन की है 0 से, ठीक है, लिमिट है 0 से, लेकिन हमने पुट किया ए माइनस एक्स को जेड के बराबर, तो लिमिट भी जेड वाली आनी चाहिए, तो लिमिट भी चेंज होगी यहाँ पर किस तरीके से। अब सबसे पहली बात है, यहाँ पर सबसे पहले एक्स है 0, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया कि इसका रिजल्ट आया एफ एक्स, और हमने कहा था एफ ओफ ए माइनस एफ ओफ 0, ये कहा था। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि एक बार फंक्शन में अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट एफ ऑफ 0। अब यही लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो पुटअप किया हमने, जो पुटअप किया है, अब इसकी लोअर लिमिट आनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से, इस इक्वेशन में से आएंगी, जहाँ से हमने पुट किया वहीं से लिमिट आएंगी, ठीक है। तो जब एक्स 0 है यहाँ पर, जब एक्स 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो जेड ए के बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। ये हुई लोअर लिमिट की बात। अब अपर लिमिट, यहाँ पर एक्स है ए के बराबर, है एक्स है ए के बराबर, अब यहाँ पर एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए माइनस ए 0, तो जेड की वैल्यू आई 0, इस तरीके से फंक्शन बदला है जेड में इस तरीके से 0 से a, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना आना चाहिए, राइट हैंड साइड जरूर है इस तरीके की एफ जेड इंटू डी जेड, लेकिन फंक्शन था एफ एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से फंक्शन था, हमने पुट किया इस वाले को, जैसे ये राइट हैंड साइड नहीं है अब तक, तो ये है एफ ओफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 से a जिसकी लिमिट है, हमने फंक्शन को एफ ओफ इसको ए माइनस एक्स को बदल दिया जेड में, पुट कर दिया, तो ए माइनस एक्स की जगह लिख दिया जेड इंटू में। अब डी एक्स सब्सटीट्यूशन मेथड में डी एक्स की भी तो वैल्यू पुट अप करते हैं, वो किसके बराबर है, माइनस डी जेड के, माइनस डी जेड के इस तरीके से, और इसकी लिमिट चेंज होंगी, लिमिट चेंज होंगी। अब लिमिट किस तरीके से चेंज होंगी यहाँ पर, बस ये ध्यान देने की बात है। अब जहाँ से पुट किया था, सबसे पहले लिमिट कही थी हमने लोअर, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, बस यही चीज़ है, लोअर लिमिट एक्स 0, तो इस फंक्शन की भी लोअर लिमिट यहाँ से आएंगी जेड ए के बराबर इस तरीके से, ठीक है, और अपर लिमिट जब एक्स था ए के बराबर तो जेड होगा 0 के बराबर, ये होगी इसकी लिमिट। फंक्शन भी बदल चुका है जेड में और जिसकी लिमिट भी बदल चुकी है, बस यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगेंगी पहले वाली, ये माइनस का साइन बार है, माइनस का साइन बार। अब सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड का, ठीक है। अब इसको पढ़ना आना चाहिए ए से 0, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि जब
जब लिमिट को रिवर्स कर दे, मतलब ए की जगह जीरो, जीरो की जगह ए, इस तरीके से कर दे तो माइनस साइन आ जाता है, मतलब माइनस साइन इस तरीके से, एक माइनस था माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन, इस तरीके से। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर टू की बात यहाँ पर, ठीक है। अब जीरो से ए, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर वन की बात होगी, बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी नंबर वन क्या थी, कोई भी फंक्शन जेड में हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन जेड में हो वो फंक्शन चेंज हो सकता है अगर सेम फंक्शन एक्स में लिख दे तो, इस तरीके से टी में लिखते हैं तो टी इंटू डी टी, इस तरीके से राइट हैंड साइड लेके चले, ठीक है। ये थी राइट हैंड साइड, और कहाँ पर पहुँच चुके हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पर, इस तरीके से। बस यही है, यही प्रूफ है इसका, राइट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। बस यहाँ पर पॉइंट याद होने चाहिए हमें, पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले जहाँ से पुट किया, ठीक है, उसी को, जो भी चेंज किया उसी को पुट किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार लिमिट ही चेंज होगी, यहाँ पर फंक्शन चेंज हुआ है, ठीक है, फंक्शन को चेंज किया हमने इस तरीके से, ठीक है, साथ में लिमिट भी चेंज कर दी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हम लिमिट भी साथ में चेंज करें, ये जरूरी भी नहीं है कि लिमिट भी साथ में चेंज करें। कई बार न्यूमेरिकल्स में हम ये चेक करेंगे कि जैसे ये फंक्शन को पुट कर दिया, इस टाइप से कर दिया पुट, लिमिट रख ली हमने पहले वाली, लिमिट रख ली पहले वाली, तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर तो जेड में आएगा, इस टाइप से आएगा इसका आंसर तो जेड में, लेकिन हमें तो मतलब एक्स से है, ठीक है। तो बाद में पहले इस फंक्शन को दोबारा से चेंज करेंगे, जो इस रिजल्ट आया एफ जेड का, इसको दोबारा से एक्स में लेके जाएंगे, दोबारा से एक्स में ले जाने के बाद ये लिमिट रख देंगे। बस ये लिमिट याद होनी चाहिए कौन से फंक्शन की है, बस वहाँ से भी सेम रिजल्ट आना है। ये तो थी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब ये तो बात हुई कि जीरो से, लेकिन यहाँ पर जनरल केस की बात की थी, क्या था हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये था कि जीरो से ए, जीरो से लिमिट सेम है एफ ओफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन ये बात जो ये प्रॉपर्टी आई है यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो अब ए से बी, अब ए से बी का मतलब क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू ए है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना हो तो, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना हो तो अब बस इसको पढ़ना चाहिए, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट तो सेम है ए से बी, ठीक है। हमने कहा एफ ओफ, कहा ए माइनस एक्स, अब ए माइनस एक्स को पढ़ना चाहिए, यहाँ पर जीरो प्लस भी है, मतलब क्या हुआ, दोनों लिमिटों को ऐड किया, जीरो प्लस ए और माइनस एक्स कर दिया, जो भी फंक्शन है, इस तरीके से, ठीक है। सेम बात यहाँ पर होगी, दोनों को ऐड किया, दोनों लिमिटों को इस तरीके से ऐड करते हैं, माइनस करेंगे जिसमें भी फंक्शन एक्स में है तो एक्स में, इस तरीके से, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये है वो जनरल केस, बस सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, इसको भी चेक कर सकते हैं, ये रिजल्ट यहाँ से आया, मतलब प्रॉपर्टी तो ये काम की है हमारे, तो इससे हमें तो इससे मतलब है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से आई है कि यहाँ पर एक्चुअल में जीरो प्लस भी है, ध्यान से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।